हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करवाना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, यानी कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या देते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप। फंक्शन की रिटर्न टाइप ये बताती है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को जो है वो रिटर्न करेगा। अभी तक हमने देखा कि हम ऐसा फंक्शन बना रहे थे जो किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो हमने वहां पे उसका रिटर्न टाइप दिया वॉइड। यानी कि अगर फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम वहां पे उसका रिटर्न टाइप वॉइड दे देते हैं, नहीं तो हमें रिटर्न टाइप में वो टाइप देनी होती है जिस टाइप की वैल्यू जो फंक्शन है रिटर्न करेगा। अब मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिया है इंटीजर, INT, एक स्पेस दिया है, फंक्शन का नाम लिखा है मैक्स, यानी कि मेरा जो ये फंक्शन बनाने में जा रही हूँ उसका नाम मैक्स है, और वो दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को एज अ पैरामीटर लेगा। यहाँ पे मैंने लिया इंट स्पेस num1 कॉमा इंट स्पेस num2, और मैंने डिक्लेरेशन को क्लोज करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया है। आप यहाँ पर सिंपल इंट कॉमा इंट भी दे सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन सिर्फ कंपाइलर को ये बताती है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम क्या है, और वो कितने पैरामीटर्स का यूज कर रहा है और किस टाइप के पैरामीटर्स का यूज कर रहा है। उसके बाद मैंने मेन की स्टार्टिंग की है, इंट स्पेस मेन, पैंथेसिस लगाए हैं, मेन के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाया है। यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स ए और बी इनिशियलाइज किए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। ए को मैंने 100 वैल्यू दी है और बी को मैंने 200 वैल्यू दी है। फिर मैंने एक सिंपल वेरिएबल या इंटीजर टाइप का रेस और वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। ये फंक्शन मैक्स क्या कर रहा है, ये दोनों नंबर्स का मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा है, और जो मैक्सिमम नंबर है यानी कि num1 और num2 में जो भी मैक्सिमम नंबर है उसे रिटर्न कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है। जब फंक्शन किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है तो उसे कॉल कैसे करते हैं आप देखेंगे। रेस यानी कि वो वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं वो लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फंक्शन का नेम और जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे थे यानी कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स आपने यूज किए हैं उन एक्चुअल पैरामीटर्स का नाम आप यहाँ देंगे a, b, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, देन सेमी कॉलन। इस तरह से जब हम फंक्शन की रिटर्न टाइप देते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी फंक्शन कॉलिंग होती है वहां से कंट्रोल जो है फंक्शन की डेफिनेशन पर ट्रांसफर हो जाता है। हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है मेन के बाद, इंट स्पेस फंक्शन का नाम मैक्स, इंट num1, num2, जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे वो अब इन पैरामीटर्स में num1 और num2 में पास हो जाएंगे। इंट एक मैंने लोकल वेरिएबल लिया है रिजल्ट, सेमी कॉलन, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, यानी कि अगर num1 की वैल्यू num2 से ग्रेटर है तो रिजल्ट में num1 की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। एल्स अगर यहाँ पे ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो num2 की वैल्यू जो है वो रिजल्ट में असाइन हो जाएगी। इन दोनों में से एक ही काम होगा, या num1 की वैल्यू बड़ी होगी या num2 की, वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, और रिजल्ट में वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। कैसे, रिटर्न ये कीवर्ड है, रिटर्न कॉमा यहाँ पे हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू उस वेरिएबल का नाम, हम रिजल्ट में हमने वैल्यू स्टोर की है तो हम यहाँ पे देंगे रिजल्ट देन सेमी कॉलन। उसके बाद हमने फंक्शन की क्लोजिंग कर दी है। फंक्शन क्लोज करते ही मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया कि वापस जो हमारा कंट्रोल होता है वो फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट पर आ जाता है। अब यहाँ पर फंक्शन ने रिजल्ट की वैल्यू स्टोर यानी कि रिटर्न की है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट की वैल्यू, और वो जो भी रिजल्ट होगा वो RS में असाइन हो जाएगा। अब हम RS की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा लेंगे। Cout मैक्सिमम वैल्यू इज, और मैक्सिमम वैल्यू इज जो भी RS की वैल्यू होगी तो यहाँ पे RS की वैल्यू आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। गेट सी एच हमने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखा है, रिटर्न जीरो क्योंकि हमारी जो मेन है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। यहाँ पे हमने मेन की क्लोजिंग की है। अब हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिख लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, इसे F9 के थ्रू कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जीरो एरर्स हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे F10 की हेल्प से। रन करते आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इज 200। हमने ए को 100 वैल्यू पास की थी और बी को 200, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 200।
इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन के थ्रू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय। थैंक यू।